मालथौन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मैदान में आते हुए महिला बाल विकास कार्यालय के सामने अपने ही सुपरवाइजर के खिलाफ प्रदर्शन किया। मालथौन के परसोन गांव की इन कार्यकर्ताओं ने सुपरवाइजर सरस्वती कुर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मैडम आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर पैसे की मांग करती हैं और पैसे ना देने पर नौकरी से हटवा देने की धमकी देती हैं। हमारी मैडम बहुत परेशान करती हैं, लोगों से पैसे लेती हैं, हर चीज के पैसे लेती हैं। यदि हम लोग पैसे नहीं दे पाती हैं तो तनख्वाह भी काटती हैं और बोलती हैं सेवा समाप्त करेंगे। और हम लोगों को बहुत धमकी देती हैं मैडम, हर लोगों की धमकी बता देती हैं कि हम नौकरी से हटवा देंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थीं। सागर टीवी न्यूज के लिए मालथौन से भान सिंह यादव की रिपोर्ट।